ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछली सरकार के समय घुमारवीं में हुए शिलान्यास पटका को तोड़ने का मामला सामने आया है। ये शिलान्यास पटका नगर परिषद के वार्ड 5 पजोआ में तोड़ी गई है। जो पटका तोड़ी गई है वे पिछली सरकार के समय में नाले का तटीकरण करके पार्किंग बनाए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजेश धर्माणी विधायक के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। पिछली सरकार के समय घुमारवीं में हुए शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ने का मामला फिर से सामने आया है। ये शिलान्यास पट्टिका नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 बजोआ में तोड़ी गई है। जो पट्टिका तोड़ी गई है वो पिछली सरकार के समय में नाले का तटीकरण करने के साथ साथ पार्किंग बनाई जानी थी। इसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व राजेश धर्माणी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि इस पट्टिका से पहले भी कई पट्टिकाओं को तोड़ा जा चुका है, जिसके मामले भी दर्ज किए गए हैं, पर आज तक पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है और किसी व्यक्ति या शरारती तत्व के द्वारा बार बार पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। सह मीडिया प्रभारी रजनीश मेहता ने बताया कि जिस किसी ने भी पट्टिका तोड़ी है वे उनकी घटिया मानसिकता का परिणाम है। पट्टिका तोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, पर यह भी सोचना चाहिए कि इन पट्टिकाओं के ऊपर सरकार के पैसे लगे हैं तथा सरकार के पैसों का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज मुझे सुबह पता चला कि हमारे घुमारवीं के नगर परिषद वार्ड नंबर 5 में पिछली सरकार के समय एक नाले पर तटीकरण करके पार्किंग बनाई जानी थी, जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने और घुमारवीं से पूर्व विधायक राजेश धर्माणी जी ने किया था। आज सुबह ही मुझे पता चला कि वहां की शिलान्यास पट्टिका तोड़ दी गई है। इस तरह की शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ने से किसी का भी कोई भला नहीं हो सकता। यह एक घटिया मानसिकता का परिणाम है। इस वजह से सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग होता है और किसी की भी कोई भलाई नहीं होती।